जय हिंद बच्चों। तो ये जो बच्चे गिटार बजाते हैं उन्होंने बोला था कि हमें डी से गाना बताइए आप। ये तो डी से मैं गाना बता रहा हूँ आपको, वंदे मातरम। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए एक बार कैसे बजेगा डी। वंदे मातरम सुजला प्रयोग किया है वो डी और ए का प्रयोग किया है, क्योंकि अभी लोग बिगनर हो तो आपको डी और ए कॉर्ड आपको बता दूं मैं कौन कौन सा होता है। ये जो डी कॉर्ड है ये अभी मैंने कैपो लगा रखा है ये, लेकिन आप लोग डी से बजाइए इसको। ये एक यहाँ पे दिया, ये डी है। ठीक है, ये देखिए, ये आपका जो नीचे थर्ड फिंगर है, थर्ड फिंगर पे फर्स्ट, सॉरी थर्ड स्ट्रिंग पे फर्स्ट फिंगर, और लास्ट स्ट्रिंग जो फर्स्ट स्ट्रिंग है उस पे अपनी सेकंड फिंगर, और जो थर्ड फिंगर है वो सेकंड स्ट्रिंग पे आएगी। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड डी, ये डी कॉर्ड है। इस तरह से इसके ऊपर ये ए है, ये देखिए आप, ये और ये। ठीक है, थोड़ा जूम करके देख लीजिए आप एक बार, और थोड़ा समझ में आएगा। ये देखो, ये हमने ये दो दबाया, ये आपका डी है। ठीक है, और ये यहाँ पर ये तीन दबाया, ये सॉरी ये तीन ए, यानी ये दबाएंगे तो ए आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, और रिदम क्या रहेगा, रिदम रिदम क्या, डाउन चंक, डाउन चंक, नहीं सही, डाउन चंक, डाउन डाउन चंक, 1 2 3 4 5। तो आप इसको ऐसे बजाइए। ठीक है, अरुणिम और शिखर आप लोग गिटार बजाते हैं तो आप लोग इसको करिए। ठीक है, मैंने खास तौर से आप लोगों के लिए बनाया है ये वीडियो, तो आप इसको देखिए और सीखिए और उसका मुझे वीडियो भेजिए। ठीक है।